हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल इजी इलेक्ट्रॉनिक्स में। मैं आज आपको यहाँ पे फंक्शन जनरेटर के बारे में बताने वाला हूँ कि फंक्शन जनरेटर का यूज़ कैसे करते हैं और इसके अलग 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 फंक्शंस क्या हैं, अलग अलग नॉब के फंक्शन क्या हैं। देखिए, फंक्शन जनरेटर का यूज़ हम लोग डिफरेंट डिफरेंट वेव फॉर्म जनरेट करने के लिए करते हैं। जैसे कोई सर्किट है, उसमें हमको साइन वेव देना है 20 वोल्ट पीक टू पीक और 1 किलोहर्ट्ज़ का साइन वेव देना है, तो उसके लिए हम लोग ये फंक्शन जनरेटर का यूज करेंगे। और फंक्शन जनरेटर से यहाँ से जो आउटपुट आएगा, जैसे आपने साइन वेव सेट किया तो साइन वेव आउटपुट आएगा, लेकिन वो देखेंगे कहाँ पे, तो देखने के लिए हम लोग सीआरओ का यूज करेंगे। और सीआरओ का यूज कैसे करना है, मैं इसको आप पिछली वीडियो में बता चुका हूँ और ऊपर आप नोटिफिकेशन भी देख रहे हैं, आ रहा है, आप वो भी देख सकते हैं कि सीआरओ कैसे यूज किया जाता है। देखिए, अब मैं आपको अलग अलग फंक्शन के बारे में बताता हूँ। अब यहाँ पे मैंने एक वेवफॉर्म दिया है, देख लीजिए, यहाँ पे एक वेवफॉर्म दिया है, ये साइन वेव, ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ पे पहला जो दो नॉब दिया हुआ है उसमें ये फ्रीक्वेंसी का नॉब है, इसको हम लोग वैरी करके फ्रीक्वेंसी वैरी करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये भी वैरी हो रहा है, या तो आप सीआरओ की स्क्रीन पे देखिए, सीआरओ की स्क्रीन पे भी वेवफॉर्म छोटा बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको यूज करके हम लोग सीआरओ के फ्रीक्वेंसी वैरी कर सकते हैं, ओके। इसके बाद यहाँ पे अलग अलग नॉब दिया है फ्रीक्वेंसी के लिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा है 20K मीन्स अप टू 20K। जब इसको मैं फुल वैरी कर दूंगा तो ये 20K तक जाएगा, ठीक है। ऐसी यहाँ पे 20K है, इसके बाद 200K है, 2 मेगा है। तो हम लोग को जो फ्रीक्वेंसी सेट करनी है वो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, जैसे मुझे 1K सेट करना है तो मैं क्या करूँगा, 2K अप टू 2K की फ्रीक्वेंसी लूंगा। फ्रीक्वेंसी लेने के बाद इसको वैरी करके यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे दिख रहा है डिस्प्ले में, तो इसको मैं 1K सेट कर लूंगा। और सेट करने के बाद एक बार कंफर्म करने के लिए इसको मैं मेजर भी कर लूंगा। कैसे मेजर किया जाता है ये मैं आपको सीआरओ में बता चुका हूँ। इसके बाद यहाँ पे आगे आएंगे तो देखेंगे यहाँ पे जो दिया है, यहाँ पे दूसरा यहाँ पे दिया है सिमेट्री लिखा है, ऑन ऑफ लिखा है। सिमेट्री का मतलब क्या होता है, स्क्वायर में आपको अच्छे समझ में आएगा। देखिए, मैं इसलिए मैंने स्क्वायर वे कर दिया और यहाँ पे मैंने सिमेट्री दबा दिया। सिमेट्री दबाने के बाद क्या होता है, ये क्या करता है, इसका पॉजिटिव और निगेटिव, मीन्स ये लाइन मेरी पॉजिटिव है, ये मेरी निगेटिव है, इसको चेंज करेगा। देखिए, दिख रहा है आपको, इसको जब मैं वैरी कर रहा हूँ तो पॉजिटिव बड़ा होते जा रहा है, निगेटिव छोटा होते जा रहा है। मीन्स ये वाला लाइन, ये पॉजिटिव है मेरा, पॉजिटिव बड़ा हो रहा है, निगेटिव छोटा होते जा रहा है। इसको जब एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ तो रिवर्स डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। ये सिमेट्री का यूज हो रहा है, मतलब ये पल्स के लिए, ये पल्स जैसे ये पल्स है, पल्स के लिए भी काम आ सकता है। इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन आता है हमारा ये बटन का, यहाँ पे हम लोग का लिखा है फंक्शन मीन्स यहाँ पे साइन वेव, आप देख रहे स्क्रीन पे, देखिए साइन वेव आ रहा है, स्क्वायर वेव आ रहा है और ट्रायंगुलर वेव आ रहा है, ओके। इसके बाद यहाँ पे फिर अलग एक दूसरा है अटेन्यूएशन क्या करेगा, उसको वेवफॉर्म, जो भी आप वेवफॉर्म देख रहे हैं उस वेवफॉर्म को वो छोटा कर देगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे 20 dB दबाया, उसका अटेन्यूएशन छोटा हो गया, 20 dB हो गया, ओके। अब इसको और एक बार दबाऊंगा तो 40 हो गया, तो बहुत छोटा हो गया, ओके। तो ये अटेन्यूएशन मैं, ये 40 हो गया, दोनों एक साथ दोनों प्रेस हो गया, मीन्स ये 60 हो गया, तो ये अटेन्यूएशन है मेरा। अटेन्यूएशन क्या करता है, वेवफॉर्म छोटा करता है। जब भी समझिए आपको कोई, आप किसी आप सर्किट में या तो फिल्टर्स में आपको नेटवर्क में आपको 50 mV और 1 kHz पीक टू पीक देना है, तो क्या करेंगे, 50 mV पीक टू पीक 1 kHz का फ्रीक्वेंसी देना है, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ से सेट कर सकते हैं। और ये जो होता है, ये मेरा एम्पलीट्यूड का नॉब है, इसको जब मैं वेरी करूंगा तो एम्पलीट्यूड का नॉब वेरी हो रहा है। तो इस नॉब की मदद से हम लोग 20 mV सेट कर सकते हैं, लेकिन ये मिनिमम जो होगा, जैसे मैंने इसको एकदम मिनिमम कर दिया, तो मिनिमम करने के बाद ये मेरा कितना दिखा रहा है आप कैलकुलेट कर लीजिए, मैं भी कैलकुलेट करता हूँ। अब दिखा रहा है, देखिए यहाँ पे वन बॉक्स दिखा रहा है, तो वन बॉक्स मीन्स वन, और यहाँ पे चैनल वन यूज कर रहा हूँ तो वन, तो मतलब 1 वोल्ट दिखा रहा है, मतलब ये मिनिमम भी 1 वोल्ट है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे हम, ये जो हमारा नॉब है अटेन्यूएशन 20, इसको प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद इसको बढ़ाएंगे तो अब ये कितना दिखा रहा है, यहाँ पे भी ये मिनिमम ही है, खाली मैंने अटेन्यूएशन प्रेस किया हुआ है। तो आप देखेंगे ये क्या हो गया, ये 1 आ गया, 1.2 × 0.1, ठीक है। तो मतलब ये ऑटोमेटिकली अटेन्यूएट हो गया, उसका वेवफॉर्म छोटा हो गया, तो उस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। दूसरा मेरा ये है, दूसरा नॉब यहाँ पे दिख रहा है, ये ऑफसेट लिखा है। ऑफसेट क्या होता है, ऑफसेट डीसी पे काम करता है, ये एसी पे काम नहीं करता, डीसी पे काम करता है, इसलिए आपको स्क्वायर वेव देखना पड़ेगा। डीसी प्लस माइनस 20 वोल्ट करेगा, मतलब जब भी मैं इसको ऑन कर दिया, देखिए ये नीचे चला गया, ऐसे नीचे चला जाएगा, फिर इसको मैं इसको डीसी में रखना पड़ेगा, डीसी में रखा हूं, देखिए ये मेरा वेवफॉर्म, ठीक है,
अभी मैं इसको पहले ऑफ कर देता हूँ, ऑफ करके इसको सेट कर लेता हूँ वेवफॉर्म। ये मैंने ऑफ कर दिया है, ये मेरा वेवफॉर्म दिख रहा है आपको, ठीक है। अब इसको जैसे ही मैं ऑन करता हूँ, जैसे ही मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, जैसे ही मैं इसको ऑन करता हूँ तो वेवफॉर्म एकदम नीचे चला गया, देखिए ये देखिए एकदम नीचे चला जाता है, मतलब -20 वोल्ट और +20 वोल्ट। इसको जैसे जैसे वेरी करूंगा इसको जैसे जैसे वेरी करूंगा ये +20 वोल्ट की तरफ जाएगा, तो +-20 वोल्ट करने के लिए ये मेरा काम आता है, ठीक है। अब ये फंक्शन एंटर हो गया, यहाँ पे लिखा है TTL। TTL मीन्स क्या होता है? स्क्वायर वेव। अब जब मैं इस वेवफॉर्म यहाँ पे निकालूंगा, प्रोब को सियारा प्रोब को यहाँ पे लगाऊंगा, तो आप देखिए ये ऑटोमेटिकली एक स्क्वायर वेव जनरेट करेगा, हमको स्क्वायर वेव मिलेगा, ठीक। तो इस तरीके से मैंने आपको फंक्शन एंटर बता दिया। और हर एक फंक्शन एंटर, हर एक सीआरओ, कोई भी आप देखें तो उसका मैनुअल पढ़ना बहुत जरूरी है। आप एक बार मैनुअल पढ़ लीजिए, मैनुअल में मोस्टली सब लिखा रहता है कि कौन सा किस चीज के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कौन सा नॉब, कौन सा बटन किस चीज के लिए यूज होता है, तो उसे एक बार हमेशा एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए, ठीक है। तो सब फंक्शन एडिटर का फंक्शन सेम ही होता है, सिर्फ यहाँ पे डिस्प्ले जो है, मतलब जैसे आप देख रहे हैं कि ये एप्लब का है, जिसके इसमें अलग 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 सारे नॉब दिए हैं, बहुत सारे बटन्स दिए हैं। किसी और कंपनी का रहेगा तो हो सकता है वहाँ पे बटन्स कम रहेंगे और नॉब ज़्यादा हो जाएगा, या वाइस वर्सा कि बटन कम हो जाएंगे, नॉब कम हो जाएंगे और बटन ज़्यादा हो जाएगा। तो हर एक कंपनी का ऑलमोस्ट फंक्शन जो होता है, मैं आपको फंक्शन बताने की कोशिश कर रहा था कि आपको फंक्शन समझ में आ जाए, फंक्शन जो होता है वो सेम ही होता है, सिर्फ उसका जो लुक है, आगे से जो लुक है फंक्शन एडिटर का वो चेंज होता रहता है। सेम उसी तरीके से सीआरओ का भी जो लुक है वो लुक चेंज होते रहता है, लेकिन उसका फंक्शंस वही रहते हैं, उसके बटन के नाम भी वही रहेंगे और उसका प्लेस अलग हो सकता है। समझे कि यहाँ पे फंक्शन दिया है तो कभी कभी फंक्शन यहाँ पे हो जाएगा, मतलब ये उठा के साइन स्क्वायर ट्रायंगुलर यहाँ पे रख देंगे, और अभी जैसे जैसे लेटेस्ट आते रहेगा उस तरीके से अपडेट होते रहेगा, लेकिन फंक्शन सेम रहेंगे। तो आप एक बार फंक्शन समझ जाएंगे तो कोई भी सीआरओ, कोई भी फंक्शन जनरेटर आसानी से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अपना वीडियो खत्म कर रहा हूँ, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। थैंक यू वेरी मच। और आपको अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं।